हम दो सना उस रब के लिए जिसकी रहमत नेमत और माफ़त का फ़िज़ान कभी रुकता नहीं। मेरा पाक परवरदिगार आपका और हम सब का दामन खुशी से भर दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। यहाँ आज हम लोग आए हुए हैं इटली। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहन ने नया घर लिया है और उसी घर की सेटिंग चल रही है। बच्चों ने खूब गंद मचाया हुआ है और जो है वो चीज़ें बिखेर रहे हैं, समेट रहे हैं। और चलें देखते हैं भाई और आए हैं बहन के घर, तो चले देखते हैं और बच्चों ने क्या क्या किया। साथ रहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम प्यारा भाई। ये जी आ गया भाई। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हम लोग आए थे एक मार्केट में क्योंकि बहन की घर की कुछ चीज़ें चाहिए थी, डेकोरेशन की, किचन की और बच्चों की कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो यहाँ पे हम लोग आए हैं शॉपिंग करने के लिए। जब इंसान नया घर लेता है तो नए घर में फिर नई चीज़ें तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती हैं। और काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो कि हमें मिल गई और काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि जो इस मार्केट से नहीं मिली थी। इस दिन हमने 2-3 मार्केटों को विज़िट किया था और काफ़ी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई हैं, काफ़ी इंशाल्लाह मिल जाएंगी। क्योंकि हमारा यही प्लान था कि हम लोगों ने एक हफ़्ता रुकना है और उसी हफ्ते के अंदर अंदर हम कुरान हानी मिलाद भी करवा जाएँ, घर में यासीन भी पढ़वा ली जाए और सारी चीज़ें भी हो जाएँ। तो चलें साथ रहिएगा, देखते रहिएगा कि घर की किस तरह सेटिंग की, क्या क्या नई चीज़ खरीदी और क्या हमने पुरानी चीज़ को नया करके घर में डेकोरेट किया।
तो ये देखने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, और कुछ वीडियो इंशाल्लाह, कुछ चीज़ें इस वीडियो में इंशाल्लाह दिखाऊंगी, कुछ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो साथ रहिएगा, और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है हर चीज़ के लिए, हर नेमत के लिए। और एक दफ़ा प्लीज़ सूरत फातिहा मेरी अम्मी अब्बू के लिए और बाकी जितने भी मोमिनीन इस दुनिया में नहीं रहे उनके लिए ज़रूर पढ़िएगा। तो साथ रहिएगा अल्हम्दुलिल्लाह।